दिल्ली के अंदर जो पिछले 8-10 दिनों से हवा की गति जो एक ठहराव में थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। आज अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के सुनवाई हुई है, उसमें कई बिंदुओं पर सरकार ने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे थे। सरकार अभी कोर्ट के रिटन फैसले का इंतजार कर रही है और उसको पढ़ने के बाद जो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डायरेक्शंस होगा उसके अनुसार आगे के अपने कदम को निर्धारित करेगी। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब फोर के तहत नियम में ट्रकों की पाबंदी है उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही थी कि कई जगहों से ट्रक जो है जो उनकी एंट्री नहीं है, जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले नहीं है उनकी भी एंट्री दिल्ली के अंदर हो रही है। कल मंत्रिमंडल के हमारे कई साथियों ने अलग अलग बॉर्डर पे जाकर के निरीक्षण किया था रात में कि ग्राउंड हकीकत क्या है। उसमें एक चीज निकल करके आई कि दिल्ली के एंट्री के जो मेन बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे बहादुरगढ़ बॉर्डर हो, चाहे वो सहादरा का गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो गुड़गांव का बॉर्डर हो, वहां पर तो टीमें सक्रियता के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े हुए कई छोटे छोटे एंट्री प्वाइंट हैं जहां से भी ट्रक इंटर करते हैं वहां पे टोल भी है, लेकिन वहां पर उतनी कड़ाई के साथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। मेन रोड पर रजिस्टर में एंट्री भी हो रही थी जहां से जो जिन ट्रकों पे बंदिश है उनको वापस किया जा रहा था, कितने ट्रक वापस हुए, लेकिन जो छोटे छोटे नाके हैं एंट्री प्वाइंट से वहां पर रजिस्टर भी नहीं पाए गए थे। तो आज अभी हम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं कि वो उन छोटे छोटे जो एंट्री प्वाइंट्स हैं वहां भी अपनी टीम को डिप्लॉय करें। दूसरा, कल रात में हमने ये पाया था सिंगू बॉर्डर पे हम जब गए थे कि वहां पर इस चेकिंग की प्रक्रिया में काफी जाम की स्थिति बन रही है और उससे भी जब वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं तो उससे भी उस जाम से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो वहां पे हमने लोगों से बात की, अधिकारियों से, तो उनका सुझाव था कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरियल है, जो बाहर बाहर रोड बनी है, अगर वहां हरियाणा और यूपी की सरकारें अगर अपनी एक टीम डिप्लॉय कर दें तो उनको वहीं से डाइवर्ट किया जा सकता है